यही तो कह रहे हैं मुझे 5 साल और दो, मैं आपके बदन का कपड़ा छीन लूंगा। पहले बोला इन्होंने 5 साल आप मेरे को बोर दो, मैं 15-15 लाख रुपए डालूंगा। मगर हमें ये उन्होंने ये कहा था, 15 लाख रुपए मैं हर व्यक्ति से ले लूंगा। मगर हमें ये सुनाई दिया था हर व्यक्ति को 15 लाख रुपए दिया जाएगा। इन 5 सालों में ही गरीब पर लाइन लग के अपने नोटों के लिए मरे गए हैं। इन 5 सालों में ही GST टैक्स लगा गया है। 1 लाख में 18,000 रुपए दिया जाता है, गरीब इंसान भी देता है। इसका मतलब क्या है? ये मोदी सरकार का राजनीति है। मोदी सरकार इतने ऊपर में बैठे हुए थे, हम जमीन छुए के बैठे हुए थे, उनकी आवाज सुन रहे थे, इसलिए हमें कंफ्यूज हो गया। वो 70 फुट ऊपर पे बैठ के भाषण करते हैं, हम जमीन में सटके उनकी सुनते हैं। 5 साल में पहली दफा वोट डालने में हमारा वोट ही कट गया, इससे बड़ी बात क्या होगी? ये मोहम्मदन होने की वजह है या क्या वजह है? 5 साल में कभी नहीं कटा, अब की बार पहली बार कटा। इतनी मुश्किल से छुट्टी मिली संडे के दिन की, भी मैं वोट डालूंगा, पता चला खुशी तो सारी घर में ही रह गई। अब बताइए ना, आप बताइए, वोट कटे तो मोदी आया। मुस्लिम बहुल इलाका ओखला जहाँ मैं मौजूद हूँ, जो शिकायत पहले भी हमने आप तक पहुंचाई थी आवाम से कि हमारे वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, मेरे साथ 3 लोग ऐसे अभी अभी जुड़ गए, जिनका 4 लोग जुड़ गए जिनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है, नाम कट गया है। आपका है मोहम्मद सकीला है मेरी मिसेज का नाम, मेरी वोट आ गई, मेरी मिसेज की मैंने वोटिंग नहीं आई। अच्छा, जिसके अंदर क्या करा जाए बताओ आप। आपका? मेरा मोहम्मद बंटी नाम है, बोर्ड का नाम ही कट गया है, पिछले साल भी कटा हुआ था, इस साल भी कटा हुआ, कोर्सेज करने के बाद भी नहीं हुआ है। अच्छा, और दूसरा सवाल मेरा ये, आपका? मेरा भी वोट कट गया है, मेरा ये वोटर आई डी कार्ड यहाँ पर है, लेकिन मेरा वोट नहीं आया, नेट पे भी नहीं दिखा रहा है, शो नहीं कर रहा। क्या समझते हैं सर आप इसके पीछे? ये तो मैं नहीं कह सकता क्या वजह है क्या नहीं, क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ, मैंने पिछली बार वोट नहीं डाला, अभी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, वोट डालना चाह रहा था लेकिन अभी मेरा वोट ही नहीं आया, कैसे डालूँ आप बताएं। इसके अंदर हम ये समझते हैं कि मोदी सरकार ने जो जितनी है ना मुसलमान ने उन्हीं की वोट काटी, उन्हीं की वोट काटी, एरिया की है, मतलब उसी ना मुसलमान एरिया की वोटिंग काटी है। अच्छा, मोदी सरकार जीतने के लिए, अच्छा मैं ये जानना चाहता हूँ ये वोट कटी क्यों है मुसलमानों की? अच्छा सवाल है आपका ये है भैया, पिछले साल भी परेशान हुआ हूँ छुट्टी करके, इस बार भी बहुत ज़्यादा 3 घंटे से परेशान हो गया, वोट नहीं डल पाया, वोट रेडी से नाम। मैं भी बदलाव से ही हूँ और हर साल डालता हूँ, मेरे दो दो बहुत खुश था, और एक्चुअली मेरी ड्यूटी ऐसी है कि समझ लीजिए छुट्टी का कोई पता नहीं होता, ड्राइवर आदमी। अच्छा, और फिर बहुत मुश्किल से कहा गया कि जी मैं तो आज छुट्टी करूंगा और वोट डालने जाऊंगा, मगर जब सो के उठा सुबह 7 बजे तो बहुत खुश था, मैंने FM में सुना था कि पहला आदमी जो वोट डालने जाता है उसको बोला जाता है, कोई सर्टिफिकेट मिलता है, मैंने कहा सुबह ही जाके पहले डालूंगा, मगर जब पहले गया तो ये रिजल्ट मिला कि पहला उठना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी, आपका नाम कट चुका है। और मैंने आम आदमी में भी चेक करवाया, कांग्रेस में भी चेक करवाया, मगर कोई शो नहीं कर रहा, मेरा ये नया वाला है और ये पुराना वाला है, मतलब तो छुट्टी करके यार फायदा गया, तो मतलब वोटर लिस्ट में से नाम कट गया तो मतलब यहाँ के अम्बासी नहीं रहेगा, किसी टाइम भी भगा सकता है और ये वोटर लिस्ट दिखा देगा, इसका कोई वैल्यू ही नहीं रह गया तब सरकार बना के दिए, तो सीधी बात है, हमारा कहना तो यही है। ये 5 सालों में ही हुआ है जनाब, परेशान हो रहा हूँ भाई, 3 घंटे से परेशान हो रहा हूँ लेके वोटर आईडी कार्ड, नोटबंदी इन 5 सालों में ही हुआ है, इन 5 सालों में ही गरीब पर लाइन लग के अपने नोटों के लिए मरे गए हैं। इन 5 सालों में ही GST टैक्स लगा गया है, 1 लाख में 18,000 रुपए दिया जाता है, गरीब इंसान भी देता है, इसका मतलब क्या है? ये मोदी सरकार का राजनीति है, अभी भी कह रहा है मैं जीतने के बाद मैंने सोच रखा है, पता नहीं क्या सोच रखा है इन्होंने, बदन का भी कपड़ा बिकवा दे क्या पता, बदन का भी कपड़ा छीन ले, कह रहे मुझे 5 साल और दो, तो यही तो कह रहे हैं मुझे 5 साल और दो, मैं आपके बदन का कपड़ा छीन लूंगा। पहले बोला इन्होंने 5 साल आप मेरे को बोर दो, मैं 15-15 लाख रुपए डालूंगा, मगर हमें ये उन्होंने ये कहा था 15 लाख रुपए मैं हर व्यक्ति से ले लूंगा, मगर हमें ये सुनाई दिया था हर व्यक्ति को 15 लाख रुपए दिया जाएगा। अच्छा, मगर क्या है, हमें गलत सुनाई दिया, कंफ्यूज हो गया था उस समय, मोदी सरकार इतने ऊपर में बैठे हुए थे, हम जमीन छुए के बैठे हुए थे, उनकी आवाज़ सुन रहे थे, इसलिए हमें कंफ्यूज हो गया। वो 70 फुट ऊपर पे बैठ के भाषण करते हैं, हम जमीन में सटके उनकी सुनते हैं, मगर कंफ्यूज इसी बात में हो गया था, वो कह रहे थे हर व्यक्ति से 15 लाख रुपए लूंगा, मगर हमें सुनाई दिया हर व्यक्ति से 15 लाख रुपए देगा, यही सुनाई दिया था, क्योंकि वो 5 मंजिले ऊपर में बैठ के सुना रहे थे और हम नीचे सुन रहे थे, नीचे सुनने वालों को गलती हो गई, तो क्या कर सकते हैं जनाब, ये हमारे बड़ों की गलती, ये हमारे बड़ों की गलती है जो वोट डाल के उन्हें जिताया, अब हमारे बड़े ना चाहे उसे वोट डालने को तो कहाँ से जीत जाएगा,
तो मैन हमारे बड़ों की गलती है। जज्बे का अमल तो ये होगा, देखिए जितनी से ज़्यादा वोट हो जाएगी और वो अपना जो कैंडिडेट जिसको भी चुनना चाह रही है उसको जिताएंगे। देखिए 5 सालों में यहाँ एक तो एजुकेशन पे, हेल्थ पे, उस पे काम नहीं था बिल्कुल भी, और यहाँ जो ये मुस्लिम इलाका है इसमें एक लाइट की बहुत बड़ी समस्या थी, जो अब इस जो जब से ये आपकी सरकार आई है उसमें काफ़ी लाइट की सुविधा हुई है, और एजुकेशन पे और हेल्थ पे बहुत अच्छा काम हुआ है। मुसलमान इतना कमज़ोर नहीं है कि वो रोजे की वजह से वोट ना डालें, वो रोज़ा रखता है और उसके बाद उसके अंदर जज्बा है बढ़ चढ़ कर डेमोक्रेसी में हिस्सा लेने का, और वो डेमोक्रेसी को समझता भी है और डेमोक्रेसी को कैसे यूज करना है इसका भी काम करता है। उसको पता है कि सब फर्जी वादे हो रहे हैं, फर्जी बातें हो रही है, ना नेशनलिज्म पे बात हो रही है। वो जो लोग नेशनलिज्म पे बात करते हैं उनसे ज़रा पूछे कि नेशनलिज्म की डेफिनेशन क्या है, उन लोगों से पूछे कि जब आप प्राइम मिनिस्टर बने थे जो आपने ओथ ली थी तो आपने उसमें क्या बोला था, उसमें आपने क्या कहा था कि मैं सबके लिए काम करूँगा, मैं बिना भेदभाव और द्वेष के सबके लिए काम करूँगा। जब किसी के ऊपर लिंचिंग होती है तो शर्म आनी चाहिए कि आप लोग उस पर बिल्कुल भी कुछ नहीं, आप कमेंट नहीं कर पाते। वो तो छोड़ ही दीजिए, अभी आप NSSO का जो सर्वे आया, NSSO का जो सर्वे आया है उसमें से दो जो मेन उसके ऑफिसर्स हैं वो रिजाइन दे के जाते हैं, नहीं पब्लिश होता है, और उसमें लिखा है कि सबसे ज़्यादा अभी इस टाइम पर बेरोजगारी पड़ी है। वर्ल्ड रिपोर्ट आप देखिए, वर्ल्ड बैंक की देखिए, ILO की रिपोर्ट देखिए, उसमें आपको पता चलेगा डाटा क्या कह रहा है। इन लोगों के कहने से थोड़ी, ये सिर्फ क्या है कि ये एडवर्टाइज कर रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी पे कोई काम नहीं हो रहा है, झूठ, ये धोखाबाजी है। जी हाँ, मोदी ने जो वादा किया था ना कुछ नहीं किया, ना कुछ काम किया, अच्छा। सिर्फ बाहर घूम रहे हैं, सिर्फ बाहर, इस तरह कुछ नहीं है, ना जनता क्या कर रहा है, नहीं कर रहा, कैसे है, नहीं है, वो नहीं देखता कुछ, सिर्फ अपना देख रहा है बस, और कुछ नहीं। मोदी सरकार ने कुछ भी नहीं करा हमारे लिए, ना ही रोज़गार दिया कुछ हमें, स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा नुकसान करा है मोदी सरकार ने, ना स्टूडेंट के लिए कोई बेनिफिट्स है आजकल, ना कोई स्कॉलरशिप, ना कुछ, और जो भी हमारे आजकल लाखों इंजीनियर्स निकलते हैं ना कोई, 2014 से आज तक कोई भी इंडिया में कोई भी IT कंपनी नहीं खुली है, और हमारे इंडिया में लाखों करोड़ों इंजीनियर्स निकलते हैं पर रेयर। इस बार हम चाहे मोदी जी आए या कांग्रेस आए, चाहे कोई गठबंधन की सरकार है, कुछ ऐसी हो जिससे हमारे रोज़गार में डेवलप हो। नौजवानों को रोज़गार की ज़रूरत है, आम आदमी को सुकून की ज़रूरत है, और गरीब के लिए जो है अपना रोज़गार और यही है, उसे क्या चाहिए, उसे लंदन या अमेरिका थोड़ा ही घूमने जाना, किसे घूमना लंदन अमेरिका, अरे प्रधानमंत्री को ही घूमना, और किसके बस की रखा घूमना, हाँ। वो तो मजे कर रहा है, वो अब खा जाएगा, अब चला जाएगा, यहाँ से पता लग जाएगा, ढूंढते फिरेंगे कहाँ है मोदी जी, मोदी जी। तो कह रहे मुझे 5 साल और दो, मैं अच्छा काम, वो तो ख्वाब गए उनके, नीरव मोदी ले गए। हमें ये कहना है रोज़गार तो मोदी सरकार ने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, ये अगर इसे देखा जाए तो ये है कि या तो यहाँ गठबंधन की सरकार आनी चाहिए बिल्कुल, इसकी इसे तो वोट हम दे ही ना रहे, कोई भी नहीं दे रहा यहाँ तो, ये समझ लो, हाँ इसकी सरकार तो बननी नहीं चाहिए यहाँ तो, सिर्फ या तो कांग्रेस या केजरीवाल, ये दो ही सरकार आनी चाहिए। 15 लाख के पाप तो बहुत पहुँच गए, हमने तो 5 लाख आँखों से नहीं देखे, हम तो पेंट का काम करते हैं ना, हमने तो सिर्फ मजदूरी करनी है हमें, ठीक है, इन्होंने हमारी मजदूरी ख़त्म कर दी है, ठीक है, ये दरअसल मतलब क्या है, ये मज़े ले रहे हैं, ये जो BJP सरकार है मज़े ले रही है खुद, ये मजदूर आदमी को रुला रही है, ये रुला रही है, ये मज़े लगा लो काम धंधे बिल्कुल ठप कर दिए, एक मजदूर आदमी को बिल्कुल रुला रही है। हमारे इलाके में बहुत अच्छा सवाल पहली बार आपने पूछा है कि मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो आम आदमी ने काम किया है इसलिए लोग यहाँ आम आदमी को पसंद कर रहे हैं। बाकी कांग्रेस ने काम किया था शीला दीक्षित के ज़माने में तो वो नकार दिया गया था, अब तो 4 साल का जो काम है वो बोल रहा है अरविंद केजरीवाल का, सब लोग केजरीवाल को वोट दे रहे हैं, वही शीला दीक्षित एक बार फिर से आ गई है मैदान में। अब ऐसा होता है जब बुढ़ा शेर हो जाता है, अब ये थोड़ी है कि वो शिकार करो जाएगा, शेर बुढ़ा भी हो गया कोई बात नहीं, अब नए नए जोश है, नई नई उमंग है, यहाँ तो मोदी जी का नामो निशान भी नहीं है, यहाँ तो पूछना ही नहीं चाहिए, यहाँ तो अगर कुछ है 2-4% वो कांग्रेस तो वोट ले जा सकती है, अच्छा। बाकी मैं तो कहता हूँ 90-95% यहाँ आम आदमी पार्टी, किसी से ही पूछो, मुझसे नहीं किसी से ही पूछोगे वो समझे नहीं, कभी कभी वो ये भी कह देते हैं कि मैं पठान हूँ ये भी कह देते हैं, तो इनका नहीं पता वो क्या बोले, वो कोई भी मुद्दा जब चलता है वो एक स्पीच ऐसी दे देते हैं जिससे वो मुद्दा दब जाता है, वो स्पीच चल पड़ती है, अच्छा, तो वो स्टंट मैन है,
मैं तो ये कहूँगा माननीय माननीय प्रधानमंत्री जी, लंदन जाओ, जापान जाओ, कहीं भी जाओ, हमारे पहले देश में जो जरूरत पड़े उसको देखो। तो ये मोदी जी कोई भी काम होता है तो पहले जापान भगते हैं, बिरयानी खाने भगते हैं, या कोई काम ही नहीं देखते हैं। ये तो चोर हैं, देश को पूरा बर्बाद कर दिए पब्लिक को। वो जो नारे लग रहे हैं चौकीदार चोर, वो चौकीदार चोर है, ये पक्का चोर है, उसको देश से भगाना है, कांग्रेस को जिताना है। तो इस बार झाड़ू को आज वोट की ताकत से आप क्या जाहिर कर रहे हैं? हमारा कांग्रेस जीतेगा, कांग्रेस जीतेगा, कांग्रेस सरकार बनेगा। काम तो कांग्रेस ने भी कोई अच्छा नहीं किया, कांग्रेस बहुत किया सरकार, कहाँ बेरोजगार कहीं कम हुआ है, कहीं देखो इतना आदमी नौकरी भी छोड़ दिए, कितनी कंपनियां बंद हो गई, कहीं भी बंद हुआ कंपनी। मोदी जी के काम गिनते हैं, उन्होंने जो अच्छे काम किए वो गिनते हैं। कौन नोटबंदी, नोटबंदी में तो 200 आदमी मर गया, 200 आदमी मर गया, 15 लाख। कौन मोदी जी को माँ मर गई ये तो पहले बताओ, मोदी को तो माँ मर नहीं मरी। एक रुपया नहीं चाहिए, पब्लिक को चाहिए आराम, अच्छा चैन, बस कहीं भी कमाई खाए। 2 करोड़ नौकरी कहाँ आ गई, कुछ नहीं आई, वो तो चोर है मोदी। दिल्ली की 7 सीटों पर चुनाव आज 12 मई, लेकिन वही शिकायत जो पिछले कई चरण में देखने को मिली, मुस्लिम इलाके में रहने वाले मुस्लिम बाशिंदों के वोटर लिस्ट से नाम गायब। इनका सवाल ये है, और सवाल जायज़ है, कि हमारे नाम वोटर लिस्ट से क्यों काट दिए गए। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाज़िम अली के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए साहिल नकवी।